पाकिस्तान ना एक है मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो आप टीवी पे देखते हैं, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हाँ। ये हमारा कल्चर है, हाँ। ठीक है ना, ये सिर्फ गोरों के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज है, आप जाएं मरी में, वो एक बिल्कुल गधे जैसा घोड़ा होता है, उस पर बिठा के 1000 रुपये मांग रहा होता है, बेसुरी बांसुरी पे जाके भी वो कह रहा होता है मुझे नीला नोट दो। तो मेहमान नवाजी ना सिर्फ गोरों के लिए, हाँ। वो हमारे लिए तो ऐसी कोई मेहमान नवाजी, टूरिस्ट अवाम के लिए बस ठीक है, अपने की तो खाल खुल उतार लेते हैं। अब ऐसे ही एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और ऐसा हुआ कि एक कोरियन लड़की मिल गई मुझे, आखिर में कुछ वक्त मिला तो मैंने कहा इसके साथ कुछ गुफ्तगू कर लेते। तो मैंने उसको पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया कि पाकिस्तान की इसे 1000 साल की हिस्ट्री है, गंधारा की, सिंध ऐसा है, पंजाब ऐसा है, बलूचिस्तान ऐसा है, खैबर ऐसा है। जब मैंने उसको सारा समझा दिया ना तो उसने एंड में कहा अच्छा ऐसा है, मुझे ना वॉशरूम जाना है। मतलब वो तो ठीक है, हाँ वो सही है, मुझे जरा वॉशरूम ले जाओ, बहुत खिला दिया तुमने कल्चर। तो मैंने कहा ट्रेन में तो मुश्किल है, हाँ। क्योंकि ट्रेन में निशाना लेना पड़ता है, ट्रेन चल रही होती है और उसका वॉशरूम इज वेरी डिफिकल्ट, वो ट्रिकी है, हाँ। तो मैंने कहा आगे का बड़ा स्टेशन आएगा तो बड़े अच्छे से मैं आपको जो है ना वो करवा दूँ, ठीक है। फिर आ गया रोहड़ी का स्टेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, बहुत ट्रेनें रुकती हैं, लाइट ही नहीं थी वॉशरूम में। मैंने उसको अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दी, मैंने कहा जाओ आप कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ। वो ऐसे गई है और वापस आगे कहती हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैं अंदर गया और मैंने जब टॉर्च से देखा तो मतलब फ्लश के अलावा हर जगह बमबारी थी, कंप्लीट तबाहाल। और उसके बाद में सोचता रहा कि मैं सारे रिश्ते इसको क्या बताता है। आप उसको बताते कि इंस्टॉलेशन आर्ट है, आजकल इंस्टॉलेशन आर्ट के नाम पे कुछ भी बिक जाता है। जी जी, और ये मुश्तरका तौर पे चारों सूबों के लोगों ने किया हुआ है, जो वैसे ही बड़े हमारे क्लेम्स हैं सिविलाइजेशन के, पर पानी बहाना इज नॉट इन आर्ट ट्रेडिशन, वो थोड़ा सा मुश्किल। बहरहाल फिर बहुत हूं मैं, मैंने बहुत ट्रेन में ट्रेवल किया है, ट्रेन के तकरीबन हर डब्बे में ट्रेवल किया है। अच्छा। तो जिसने जिंदगी में ट्रेन में एक दफा सफर भी किया हो ना, उसने भी मुझे ये कहा है कि उसको ट्रेन में लड़की मिली और सीन हो गया। मुझे नहीं कभी ऐसा इत्तफाक होता था। एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन में दो बहुत हसीन लड़कियां आ गई, आप ही के करीब करीब ऐसे। So, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि चल छैया छैया छैया, ऐसा ही सब। ट्रेन रात का वक्त और अपर क्लास के डब्बे, ट्रेन में भी आपको पता है क्लास है ना, इकोनॉमी, लोअर, फिर एसी। तो एसी के डब्बे में मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त जा रहा था और हम इकट्ठे ही सफर किया करते थे, कि हमें दो लड़कियां मिल गई जो कुर्सी पे सफर करते हुए बिल्कुल हमारे करीब बैठी हुई जा रही थी। हमें लगा जिंदगी में ये रात तो अब ऐसी आ ही गई है कि आज हमें फाइनली वो दिन देखने को मिलेगा कि हमें कोई लड़की मिली सफर में ट्रेन में और हमने उसे अट्रैक्ट भी किया। था यकीन कि आएगी ये रात ना कभी, बस इस रात का इंतजार था। थोड़ी देर बाद पूरी ट्रेन का रश उस डब्बे में आ गया, जाहिर है। अब हम बैठे और हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ताड़ी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। जिनके पास सोने वाली सीट होती ट्रेन में, अगर आपके पास सोने वाली सीट है तो आप बड़े पुरसकून है, सबसे अच्छी बात है कि आपके पास सोने स्लीपर, जी 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 स्लीपर, वो छोड़ के बाहर आके कह रहे हैं यार कुर्सी मिलेगी, हम अंदर अनकंफर्टेबल है। हम उससे कह रहे हैं यार ये बात लॉजिक के ही अगेंस्ट है कि लेटने वाली सीट जो है वो बैठने वाली सीट के मुकाबले में कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती है भैया, उस पर तो बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, इस पर सिर्फ बैठ सकता। नहीं भाई लोग बजे, हम लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, रात आगे जा रही है। ऐसे में क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ सफर कर रहा था, जैसा हमने बताया ना वो टैलेंटेड आदमी, लंबे लंबे बाल, मेटालिका की शर्ट पहनी हुई, गिटार निकाल के बैठ गया। हमने कहा चलो इसी का साथ दे देते हैं, इसके पीछे लग के कुछ। अब उसने गाने गाने शुरू किए, अभी कभी वो मेटालिका को गा रहा है तो कभी किसी को, कभी 70s के किशोर के गाने। कॉम्पिटिशन शुरू हो गया लॉन्डो में। अब उन्होंने देखा भाई एक लड़का आ गया गिटार बजा रहा है, लड़कियाँ सुन रही हैं, एक ने पीछे मोबाइल पर गाने लगा लिए। ये तो बदतमीजी है। अब यहाँ चल रहा टर्न द पेज, वहां चल रहा है मौजा ही मौजा, और गंदे स्पीकर साउंड में। ये तो चलो जो हुआ सो हुआ, मार्केट किल कर रहा है, मार्केट किल कर रहा है, मार्केट किल कर रहा है। वो इतनी हसीन लड़कियां थी, हमारी भी तो ख्वाहिश थी, हमने कहा नहीं हारेंगे नहीं, तू भले मोबाइल में गाने बजाई जा, हम गिटार पे गाई जाएंगे। हम गाने गा रहे हैं, वो मोबाइल पे लगा रहे हैं, तीसरे के मोबाइल में गाने नहीं थे, उसने टोने बजानी शुरू कर दी। अब ट्रेन के डब्बे में एक तरफ लाइव मौसीकी, फिर उसके साथ गंदा रिकॉर्डेड वर्जन, और फिर उसके साथ टोने, मतलब बदतमीजी के साथ बद तहजीबी भी, बद तहजीब। अब दरमियान में दो लड़कियां, अब ये कोई मतलब अगर मुकाबला ही करना है तो थोड़ा बराबरी के साथ तो। एक तो ठड़की उतना बदतमीज। जी जी, वो जो टोने बजाने वाला बंदा था ना, वो शक्ल से मैं थोड़ा लीचड़ लगा। हमने कहा इसको ना अवॉइड करना है, ठीक है।
अब वो यहाँ आ गया ना लड़कियों के बिल्कुल पास खड़ा हो गया, मुझे कहता है पाकिस्तान की ट्रेनों का कोई हाल नहीं। मैं कहा बस ठीक है। नहीं मैं जब स्पेन में था ना तो ऊपर से आया ना वहां जो ट्रेन्स है, हमने कहा अच्छा अब तो स्पेन की कहानी शुरू हो गई, अब इसको कैसे मिस कराएं। खैर हमने उसको ज्यादा डिस्कशन में नहीं लगाया, हमने उसको अवॉइड किया, वो भी पीछे जाके बैठ गया। कुछ देर के लिए ट्रेन में खामोशी हो गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। अब एक ओपन फाइट थी कि कौन फाइनली उन लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा, अब अपने इखलाक से मुतासर करना, अब आपने अपने इखलाक से मुतासर किया। और हम अगली गेम सोच ही रहे थे कि अचानक ना मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई कोई बहुत ही कोई लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहता है वो उसको स्पेन से फ़ोन आ गया। अब ट्रेन में सिग्नल नहीं आते, उर्दू में किसी को कोई बात नहीं समझ आती, वो लगा हुआ है उनो। उसके बाद हमने गिटार किया बंद, हमने कहा भाई ये मुकाबला हम हार गए, हम जा रहे हैं वॉकआउट करते। हमारा जो इस वक्त सबसे एक बड़ा मसला है जिससे कौम की रहनुमाई भी होगी खासतौर पर नई नस्लों की, वो है ठरक। तो ठरक के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ठरक पहली तो बात है कि मसला नहीं है मेरे हिसाब से। और आजकल बहुत सारे लोग ठरक के बारे में एक जुमला कह रहे होते हैं कि ठरक हमारा कौमी खेल है और हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर ठरक खेल है तो क्या इसका कोई बोर्ड है? आपने कभी इसके मुकाबले देखे हो? कोई ग्राउंड है जहाँ पे इंसान जाके ठरक निकाल सके? तो ठरक खेल भी नहीं है और ठरक मसला भी नहीं है। ठरक एक एनर्जी है जो आपके अंदर मौजूद होती है, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। अब आदमी को सनराइज़ क्यों अच्छा लगता है, सनसेट क्यों अच्छा लगता है, ये जो हमने गज़लें कही हैं, ये जो हमने गीत बनाए हैं, ये जो पेंटिंग्स हुई हैं, अगर इंसान ठरकी ना होता, किसी जाने माइल ना होता, तो क्या ये सारा फनून लतीफा क्रिएट हो सकता था? मैं कल से सनसेट और सनराइज को मैली निगाह से देखने की। देखिए बात यही है कि हमने जब भी ठरक या ठरकी के बारे में बात सुनी है, हमेशा इनसे सुनी ना, जो ठरक के हामिल हैं, जो इसको पोजेस करते हैं, इस एनर्जी को, उनका भी तो मौकफ सुने ना कि आखिर बात क्या है। तो मुझे लगता है कि एक अताशाद का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। तो ठरक की एनर्जी आपके अंदर है, इसको चैनलाइज करना है। मसला तो ये है कि ठरक निकालनी कैसे। स्कूल और कॉलेज में हमारे क्या होता है? हमारे स्कूलों में आप देख लेना, जो लौंडा स्कूल है, मतलब मैं पढ़ा हूँ लौंडा स्कूल से, फिर आगे कॉलेज गया वो भी लौंडा कॉलेज, फिर इतने नंबर आए कि दोबारा वही कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी गया। मैंने सुना है आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अपने से जूनियर्स के क्लास फेलो भी रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलसल ये हमारे साथ होता रहा कि हम जो है जिनकी रैगिंग किया करते थे, फिर बाद में उनकी मिन्नतें भी किया करते थे कि हमें पढ़ा दो। सो जैसे कहते ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, एक लड़की पूरे जंगल को ना ऐसे शहर बना देती। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी हमारी क्लास में और एक भी बद तहजीब लौंडा नहीं था। मुझे लगता है मैं, जैसे ही वो जाती थी लड़कों की औकात बाहर आ जाती थी। लड़कों के कभी आप जोक्स देखें, उनकी एंजॉयमेंट्स देखें, 10-10 लौंडे अकेले बीच पे जा रहे हैं पिकनिक करने, ये तो जिंदगी है। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं अकेले, सेल्फियां ले रहे हैं अकेले, डिनर की तस्वीरें लगा रहे हैं। यार थोड़ा इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए।